What's up guys, this is Guru Mann. यह है barbell 55 meal number 5 जो कि हमारी exercise के 1 से 1.5 घंटे बाद meal है और ये meal है grilled chicken and rice. जी हाँ, grilled chicken का इस्तेमाल किया है. मेरे पास बहुत ही simple recipe बनी हुई है, कुछ oil वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया. Let's check it out कि इसके अंदर क्या क्या add किया है, इसके बाद में बात करते हैं. Let's check it out. तो आपने देखा मैंने इसके अंदर ब्राउन राइस ऐड किए हैं. तो ब्राउन राइस का आप इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी कुक किए हुए हैं, बल्क में कुक कर लें आप, मतलब 3-4 दिन के लिए इकट्ठा कुक कर लें, उसके बाद सिर्फ आप गर्म करना पड़ेगा, इजी रहेगा. बार बार राइस बनाना एक्स्ट्रा टाइम सेव करने के लिए आपको पहले ही बल्क में कुक कर लें. अनियन और टमेटो का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो धनिया और डाल लें इसके अंदर, जीरा ऐड कर लें, फ्रेश बेसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन को ग्रिल किया है, 120 ग्राम चिकन है. ग्रिल करने के बाद उसको चॉप किया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है. अब आप यहाँ पर ग्रिल चिकन ऐड करने के बाद मैंने लेमन को स्क्वीज़ किया है. आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी कैचअप ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी दही से, दही के अंदर कैचअप डालकर उसका मतलब एक सॉस बन जाएगी. सॉल्ट पेपर ऐड करने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लगता है काफ़ी ड्राई है. इसके अंदर आप सिरका ऐड कर सकते हैं, मतलब विनेगर तक ऐड कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर तक इसके अंदर ऐड किया जा सकता है. तो इस मील की जो मैक्रो ब्रेकडाउन है वो है 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड अराउंड 3 ग्राम्स ऑफ फैट, क्योंकि इसके अंदर फैट सोर्स नहीं है. फैट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी ओवरऑल फैट बैलेंस में होनी चाहिए. अगर आप इस मील में फैट ऐड कर रहे हैं तो बिफोर बेड, मतलब नेक्स्ट मील जो है उसके अंदर फैट को आप कोशिश करें कम कर दें. मतलब अगर आप तेल से कुछ चीज बन रही है आपके घर के अंदर, स्पेशली चिकन, बाकी तो राइस तो तेल से नहीं बनता, अगर चिकन किसी तरीके से आपने तेल का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा आप मील जो 6 है बिफोर बेड मील उसके अंदर से एलिमिनेट कर सकते हैं. लेकिन कोशिश करें कि आप इसको फैट कम रखें, लेट द कॉम्प्लेक्स कार्ब अपना काम करे, क्योंकि हम ऑलरेडी फैट जो है वो ऑलमोस्ट 4 मील के अंदर ले चुके हैं और सोने से पहले हम फैट ऐड करेंगे. दैट समवेयर द फैट इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव. तो गाइस ये सिंपल मील है, इसके अंदर आप चाहें तो हफ्ते के अंदर मतलब 5 बार ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, 2 बार व्हाइट राइस. जैसे आपको ऑलरेडी मालूम है ब्राउन एंड व्हाइट, तो यहां पर व्हाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है हफ्ते के में 2 बार, बाकी आप मेजॉरिटी में मतलब 80% 70% जो ओवरऑल राइस है वो आप ब्राउन का इस्तेमाल करें. बाकी आपकी मर्जी है, व्हाटएवर यू वांट, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट दैट्स व्हाट आई सजेस्ट यू. बाकी आपकी जो मर्जी है, आपने जैसे मर्जी करना है. बट अगर रोज राइस खा रहे हैं तो ब्राउन को प्रेफर करें, या अगर हफ्ते में 2-3 बार ही खा रहे हैं तो व्हाइट लिया जा सकता है. एवरी डे यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज यूर इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स नॉट अबाउट टू बी अ यू नो टू हैविंग अ बिग बाइसेप्स स्टफ लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट अंदर का सिस्टम, अंदर की मशीनरी, ऑर्गन्स, स्टेइंग हेल्दी. आगे की इन्वेस्टमेंट आज करनी है, सो बी केयरफुल. सो एनीवेज, जो सिंपल मील है आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन PDF इज बिलो एंड चेक इट आउट एंड फॉलो दैट प्लान. ऑल राइट गाइस, दिस इज गुरु मान, आई लव यू ऑल, ओवर एंड आउट, बाय.